बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोरी घोषणाएं बताया है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता अब चुनावी घोषणा पत्र की तुलना कर रही है, जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उन्होंने भाजपा की तमाम लीडरशिप पर भी सवाल उठाए, लेकिन अब आनन फानन में धूमल को चेहरा बनाना भी शिष्य पैदा कर रहा है, क्योंकि चुनावों के नजदीक क्यों बीजेपी धूमल को लेकर मजबूत हुई है, जिसका कारण है कि धूमल को बलि का बकरा बनाया गया है। प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी हाईकमान को लगता है कि हिमाचल में बीजेपी पराजित हो रही है और वीरभद्र बनाम मोदी चुनाव के चलते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए पूर्व सीएम धूमल की बलि हिमाचल में दे दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है बड़ी उम्मीद के साथ इस मैनिफेस्टो का, दोनों पार्टी को जो लक्ष्मी मैनिफेस्टो का इंतजार कर रही थी, अब दोनों के सामने आ गए हैं और लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। और जब लोग इसकी तुलना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो आज हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी है और कांग्रेस भारी पड़ रही है, और ये सामने भी आ गया। अभी कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप, चाहे अमित शाह थे जब जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रभारी आए, सब लोग कह रहे थे कि भाजपा जो है वो चेहरे का ऐलान नहीं करेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा उसके लिए अलग से रणनीति है, जैसे यूपी में थी और कई स्टेट्स में थी। पर अंततः भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल जी का नाम घोषित किया, अभी उसमें भी संशय है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐन चुनाव के बीच में इसके लिए मजबूर क्यों हुई? अगर आप देखें तो ये चुनाव मोदी बनाम वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में अब तक चल रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो चुनाव हार रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में पराजित होती है तो उसका सीधा सीधा असर नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए प्रेम कुमार धूमल जी को अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बलि का बकरा बनाया है। प्रेम कौशल ने कहा कि धूमल को पिछले चुनावों में कांग्रेस ने पटकनी दी है और इस बार भी पटकनी देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की घोषणाओं से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है और इस बार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीतेगी। भाजपा मजबूर हुई ये सब करने के लिए, लेकिन जहां तक प्रेम कुमार धूमल जी का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उनके लिए धूमल साहब तो एक अजमाए हुए चेहरे हैं। हमें तो उम्मीद थी को कि नया चेहरा आएगा तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन धूमल साहब को तो पिछले चुनावों में ही पटकनी दे चुकी है कांग्रेस पार्टी, और तब तो मुख्यमंत्री थे। आज तो घोषणा की है, पर ये तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टियों की घोषणा से मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री बनते हैं जनमत से और विधायकों की संख्या से, और उसमें निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ने वाली है, पीछे रहने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर ने कांग्रेस पार्टी तो 60+ का नारा दिया था शुरू में, फिर घटते घटते 55 पे आए, फिर 50+ पे आए, और अब 20-25 के लाले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में पड़ते दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन चुनाव की ताल ठोंकी थी उस दिन कहा था कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 45+ है और हम इसको हासिल करने जा रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है उसके समर्थन और उसके आशीर्वाद के साथ।